पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए इस बार आजादी का जश्न भी कुछ खास होने वाला है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी के इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंग जाएगा। इटावा में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा फहराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जन भागीदारी से तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जागर करना है। उत्तर प्रदेश के इटावा में हर घर तिरंगा फहराने को लेकर शासन की तरफ से 2,60,000 घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य दिया गया है। इटावा के 8 ब्लॉक में समूह की महिलाओं के द्वारा तिरंगा बनाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रभारी बीआर अंबेड सभी 8 ब्लॉकों के समूह में जाकर तिरंगा बनाने के काम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के अंतर्गत हमें जनपद के प्रत्येक घर पर झंडा फहराने का निर्देश मिला है। हर घर पर झंडा फहराया जाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है और शासन से पूरे जनपद को इसके लिए 2,60,000 झंडे निर्माण का लक्ष्य मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निगरानी में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा झंडे बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते इन ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है। क्योंकि कोरोना काल में बेरोजगार बैठी ग्रामीण महिलाओं को तिरंगा बनाने का काम मिलने से इन महिलाओं में खुशी का माहौल है। मेरे को ये रोजगार मिला है तिरंगा झंडा सिलने का, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है और मेरी यहाँ से ये गरीबी हट रही है और आगे के लिए मैं चाहूँगी कि मुझे कोई रोजगार मिलता रहे और मैं ऐसे ही काम करती रहूँ और शायद जैसे जैसे आशीर्वाद मिलती है और महिलाओं को समूह में जाकर के समझाती हूँ कि मेरे को ये काम मिल रहा है, आप भी कीजिएगा और आपको रोजगार में आपकी गरीबी हटेगी और आगे के लिए बढ़ेंगे। हमें एनआर से बहुत कुछ मिलता है। तिरंगा बनाने के इस लक्ष्य को समूह के 8 विकास खंड की महिलाओं में बांट दिया गया है और हर जगह हर विकास खंड में समूहों को इकट्ठा किया गया है, जहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहां पर लगभग 50 महिलाएं काम कर रही हैं और इनको 10,000 का लक्ष्य दिया गया है। कुल मिलाकर 236 समूहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पूरे जिले में 925 महिलाएं काम कर रही हैं। समूह का प्रयास है कि 31 जुलाई तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए।